बांग्लादेश में खेल के ऊपर खेल हो रहा है। जानेंगे यूनुस के लिए अब बांग्लादेश को संभालना क्यों मुश्किल हो रहा है, तो वहीं बांग्लादेश के क्रिकेट में भी तख्तापलट देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि वो अपने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये प्रतिबद्धता बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के बीच जताई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश समावेशी बहुलवादी लोकतंत्र और संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा माहौल बनाएगा कि स्वतंत्र निष्पक्ष और भागीदारी पूर्ण चुनाव हो सके। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर शपथ ली। उन्हें संसद भंग होने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने चुना था। यह फैसला आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद लिया गया था। मोहम्मद यूनुस को खुले तौर पर शेख हसीना विरोधी और अमेरिका समर्थक नेता माना जाता है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद वो इससे दूर चले गए थे। बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश की सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया। बांग्लादेश में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन की वजह से शेख हसीना भाग गई। 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अपने देश में राजनीतिक उथल पुथल और 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफा का जिक्र करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश ने 5 अगस्त 2024 को एक दूसरी क्रांति देखी, जिसमें हमारे बहादुर छात्रों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया, इसमें आम जनता भी शामिल हुई। यूनुस ने कहा कि हमारी सरकार समावेशी और बहुलवादी लोकतंत्र में बदलाव सुनिश्चित करने और ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे स्वतंत्र निष्पक्ष और भागीदारी पूर्ण चुनाव हो। खैर, अब जहां एक तरफ यूनुस ये चाह रहे हैं, तो वहीं यूएन की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि 16 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में बांग्लादेश में अशांति के दौरान हिंसक घटनाओं में 650 लोग मारे गए। न्यायतर हत्याएं, मनमानी गिरफ्तारियां, लोगों को हिरासत में लिए जाने का गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच का सुझाव दिया गया है। बांग्लादेश में हालिया विरोध प्रदर्शन और अशांति का प्रारंभिक विश्लेषण शीर्षक वाली 10 पृष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच करीब 400 मौतें हुई हैं, वहीं 5 और 6 अगस्त के बीच विरोध प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के बाद लगभग 250 लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनों के सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप लेने के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मीडिया और आंदोलन समूहों द्वारा उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच भेदभाव विरोधी छात्र प्रदर्शनों के बाद हिंसा की घटनाओं में 600 से अधिक लोग मारे गए। जिनेवा में शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि उस समय से प्रतिशोध में की गई हत्याओं की संख्या अभी निर्धारित किया जाना बाकी है। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया 7 से 11 अगस्त के बीच कई मौतें हुई हैं, जिनमें वो लोग भी हैं जिनकी हिंसा में लगी चोटों के कारण चिकित्सा उपचार के दौरान मौत हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया मरने वालों में प्रदर्शनकारी, राहगीर, पत्रकार, सुरक्षा बल के कई जवान भी शामिल है। हालांकि कहा गया कि मौतों की संख्या संभवतः कम आंकी गई, क्योंकि कर्फ्यू, इंटरनेट बंद होने के कारण, आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण सूचना संग्रह में बाधा आई थी। सुरक्षा बलों पर भी गंभीर यहां पर आरोप लगाए गए। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने कहा कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के अपदस्थ होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय को 48 जिलों में 278 स्थानों पर हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा। इस महीने अशांति के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के कई मंदिरों, मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया गया। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वहीं बांग्लादेश में और भी कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। जहां भारत की तरफ से टमाटर बांग्लादेश को जाता था, वो एक्सपोर्ट अभी बंद हो गया है, और इसके बंद होने से भारतीय किसानों को भी नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कच्चे माल है, कच्चा माल ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाता है, आखिरकार इसे अपने ही मार्केट में बेचना पड़ रहा है, जो सस्ते दरों पर बेचना पड़ रहा है। बात रही डेमोक्रेसी की, तो इस अब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी इतनी आसानी से आने वाला नहीं है, ये बात भी तय मानकर चलिए, क्योंकि हर जगह चीजें यहाँ पर धराशाही होती हुई दिख रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए कि किस तरीके से चीजें घुस रही है। राजनीति के बाद क्रिकेट में भी
तख्ता पलट हो रहा है। देश छोड़कर भागा हसीना का असली खिलाड़ी हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में इस समय हर किसी की नज़र बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट पर है। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के इस्तीफे की खबरें आ रही है। नजामुल इस समय BCB अध्यक्ष के रूप में अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और देश में इस राजनीतिक संकट और हंगामा शुरू होने के बाद से ही लंदन में छिपे हुए हैं। नजमुल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी माना जाता है और इसलिए वो काफी समय से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बने हुए थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने दावा किया है कि नजमुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। आपको बता दें, इसके कारण शेख हसीना सरकार भी गिर गई। क्रिक बज की एक रिपोर्ट के अनुसार ढाका में रह रहे BCB के कुछ निदेशकों ने 14 अगस्त को अपनी अगली कार्रवाई में मुलाकात करने की बात कही है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में BCB के कई पूर्व अधिकारी आयोजक नजमुल एंड कंपनी के इस्तीफे की मांग के लिए शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम आए, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा है। रिपोर्ट में बैठक में शामिल BCB के एक निदेशक के हवाले से कहा गया कि हमारे एक निदेशक उनके संपर्क में है, उनके अनुसार वो नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और बोर्ड में सुधार लाने के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार। अब बात करें भारत की, तो भारत को यहाँ पर कल तक में देखने को मिल रहा था जो इनके अंतरिम गृह मंत्री बने थे वो समस्याएं खड़ी कर रहे थे, लेकिन ये होम मिनिस्ट्री के एडवाइजर को आखिरकार छात्रों ने ही यहाँ पर उतार दिया है। 3 दिन हुआ और 3 दिन में ही ब्रिगेडियर जनरल M. सखावत हुसैन इनको रिप्लेस कर दिया गया। ये शख्स वही शख्स हैं जिन्होंने चाइना से कहा था कि हम आपसे मदद की ओर देखते हैं, और ये शख्स वही शख्स हैं जिन्होंने एक बॉर्डर पे कहा था कि अब भारत के तरफ पीठ दिखा के नहीं चलना है, अब आपको नए रूप में चलना है। बहुत ही ज्यादा बड़बोलेपन में ये रहे। हालांकि आपको बता दूं, ये इलेक्शन कमिश्नर भी रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी बातें भारत के खिलाफ ज्यादा जा रही थी। अब इनको छात्रों ने हटवा दिया है। अब छात्रों को लेकर आपके मन में हो रहा होगा, अच्छा भारत के लिए ऐसा किया क्या? नहीं, इन्होंने भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि M. सखावत ने एक गलती कर दी। सखावत ने एक बात कह दी और वो बात ये थी कि हम आवामी लीग को बैन करने नहीं जा रहे हैं। कहा तो ये भी जाने लगा कि सखावत का ये प्लान था कि अवामी लीग के नेता जो हैं उनको वापस से स्थापित किया जाए, प्रतिष्ठित किया जाए, यानी कि उनको चुनाव लड़ने की छूट दी जाए, और यही चीज़ छात्रों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। छात्रों का कहना है कि हमने इतने मुश्किल से इस प्रदर्शन को किया है और इस प्रदर्शन के बाद हम जीते हैं, हम अवामी लीग को फिर से वापस नहीं आने देंगे। किसी ने ये जो आर्टिकल लिखा है, बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल में किसी ने कहा है कि बांग्लादेश का रास्ता अब इतना आसान नहीं होने वाला है। डेमोक्रेसी बांग्लादेश में आ जाए वो इतनी आसानी से नहीं होगा। बांग्लादेश उस तरफ चला जा चुका है जिस तरफ सिर्फ गृह युद्ध का रास्ता छिड़ता है। ऐसे अब देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में कई सारे बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सारी परिस्थितियां भारत को डिगा पाएंगी या भारत इन सब से ओवरकम कर लेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।